हेलो एवरीवन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं क्योंकि 31 जुलाई जो कि आपकी लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, वो बहुत ही नजदीक आ गई है। और उससे पहले मुझे ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि बहुत से इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। जी हाँ, पिछले 2 से 3 दिनों से न्यूज में ये चीज काफी पॉपुलर हो रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सैलरीड पर्सन को, जो सैलरीड टैक्स पेयर्स हैं, उनको नोटिस इश्यू कर रहा है और काफी ज्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे ये नोटिसेस इश्यू हो रहे हैं। और ये जो नोटिसेस सैलरीड पर्सन को इश्यू हो रहे हैं, ये ज्यादातर डिडक्शन से रिलेटेड हैं। जिन जिन लोगों ने फेक डिडक्शंस क्लेम किए थे, या फिर हो सकता है रेंट जो है वो ज्यादा क्लेम किया हो, एचआरए ज्यादा क्लेम किया हो, या कोई फेक या बोगस डिडक्शन दिखाए हो, और जिन जिन लोगों ने ये फेक या बोगस डिडक्शन नहीं दिखाए हैं, तो उनके लिए कोई भी चिंता का विषय ये नहीं है। अब देखिए होता क्या था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले भी स्क्रूटनाइज करता था, बट मैन पावर इतनी ज्यादा नहीं है, और क्योंकि सैलरीड टैक्स पेयर्स की रिटर्न है उनका रेशियो बहुत ही ज्यादा रहता है अदर रिटर्न से, क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है, और उनका जो अमाउंट है, जो फ्रॉड करने के चांसेस हैं या जो फ्रॉड का अमाउंट है वो बहुत ही कम रहता है। इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके केसेस को ज्यादा स्क्रूटनी नहीं लाता है, रीअसेसमेंट नहीं करता है, क्योंकि इतनी मैन पावर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी नहीं है। बट अब ये जो सिनेरियो है ये चेंज हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के यूज से। जी हाँ, आप ये जान के बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी AI रिलेटेड सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है। और ये जो यूज है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली सैलरी रिटर्न के लिए यूज कर रहा है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको और बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे डिडक्शंस हैं जो ज्यादा खतरे में है नोटिसेस के लिए। देखिए, जनरली होता क्या है, जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे प्रूफ नहीं मांगता, उस समय आपके जो भी डिडक्शंस हैं आप वो इजीली क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आपका असेसमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, उस केसेस में आपसे वो प्रूफ मांग सकता है, उस टाइम आपको वो प्रूफ जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। अब होता क्या है, बहुत से लोग जो है ना, जो भी उनके डिडक्शंस है एक्चुअल बेसिस पे लेते हैं, जो कि लेने चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए, बट काफी लोग ऐसे भी हैं जो ज्यादा टैक्स बचाने के लालच में फेक डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं, या फिर जो उनके CAs हैं, लॉयर्स हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, उनको कुछ गलत डेटा या गलत इंफॉर्मेशन देते हैं कि सर ये भी मेरा डिडक्शंस ले लीजिए, या फिर उनको सामने से ही हो सकता है थोड़ी सी जो गाइडेंस है वो प्रॉपर ना मिले, उस केसेस में भी वो एक्स्ट्रा डिडक्शंस जितने उनकी एलिजिबिलिटी है एक्चुअल बेसिस पे उससे वो ज्यादा ले लेते हैं। और देखिए, मैंने क्या है बहुत ही पूरा सिनेरियो एनालाइज किया है, और सबसे ज्यादा नोटिसेस आने के चांसेस कौन कौन से सिनेरियो में है मैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला है, आपको फॉर्म 16 में HRA नहीं मिलता है बट आपने अभी क्लेम किया है, फॉर्म 16 से मिसमैच। देखिए, हो सकता है उस टाइम आपने डिक्लेयर करना रह गया हो तो आपके लिए वैलिड है, बट अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है, आपने फेक HRA क्लेम लिया है और फिर आपको नोटिस आ जाता है, तो आपके लिए मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड क्या है, काफी लोग हैं जो फॉर्म 16 में जो है रेंट का डिडक्शन नहीं लेते हैं, बट अभी अब रेंट का डिडक्शन वो अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त ले रहे हैं, और बदले में प्रूफ के लिए ये हो सकता है काफी लोगों के पास में प्रूफ हो भी ना, या फिर काफी लोगों ने अपने क्लोज रिलेटिव से रेंट एग्रीमेंट बना लिए हो। थर्ड जो है, काफी बड़ा डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24, जो भी आपने होम लोन लिया है उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका ईयरली 2 लाख का आप जो है डिडक्शन ले सकते हैं। अब काफी लोग इसमें क्या करते हैं कि होम लोन नहीं होने के बावजूद भी फेक डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, या फिर सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि काफी लोग क्या करते हैं, अमाउंट इंटरेस्ट का कम हो बट उसको इन्फ्लेट करके दिखा दें। कुछ लोग तो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट, कार लोन या अदर चीज का इंटरेस्ट भी सेक्शन 24 में क्लेम कर लेते हैं, और इन लोगों के लिए भी ये इश्यू क्रिएट हो जाएगा। AI सॉफ्टवेयर इजीली आपको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका इंटरेस्ट पोर्शन कम होता जाएगा, प्रिंसिपल पोर्शन बढ़ता जाएगा, बट आपने जब रिटर्न फाइल किया आपके सिनेरियो में वो उल्टा हो रहा है कि प्रीवियस ईयर जो है आपका वो इंटरेस्ट पोर्शन कम था, इस ईयर बढ़ गया, नेक्स्ट ईयर कम हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, तो ये चांसेस क्रिएट करता है आपके रिटर्न को स्क्रूटनी में लाने के लिए, रीअसेसमेंट में लाने के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अभी कोई ऐसी गाइडलाइन भी जारी नहीं की है,
बट ये सिनेरियो जो है ये बिल्कुल बन रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो नोटिसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, खास करके सैलरीड पर्सन के सिनेरियो में, जो पहले मैनुअली पॉसिबल नहीं था, अब सॉफ्टवेयर की मदद से इनकम टैक्स है डायरेक्ट जो है नोटिस इशू करेगा। अब काफ़ी लोग तो ऐसे सोचते हैं कि मेरा रिफंड आ गया है या फिर ये एक साल पुरानी बात हो गई है, दो साल पुरानी बात हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, जिनकी इनकम 50 लाख से कम है उन लोगों के लिए इनकम टैक्स है उनका रीअसेसमेंट 8 साल तक कर सकता है। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में 8 साल का टाइम है, वो जब भी चाहे आपका असेसमेंट जो है रीअसेसमेंट आपका कर सकता है, पुरानी फाइलें आपकी ओपन कर सकता है, आपसे प्रूफ्स मंगवा सकता है। फिर लास्ट जो मैं पॉइंट आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ वो है पॉलिटिकल डोनेशन का। तो देखिए, काफी लोगों के साथ में क्या सिनेरियो है कि जो उनकी इनकम है उसका 25%, 20% या 30% या उससे भी ज्यादा पॉलिटिकल डोनेशन इन्होंने क्लेम किया है, तो ये चीज श्योरली एक रेड फ्लैग ही है, रेड फ्लैग का काम करता है। क्योंकि ये कोई भी आम इंसान देखेगा तो उसको लगेगा कि आपकी अगर 100 रुपए की इनकम है उस पर आप 20 से लेके 30 रुपए तक, 40 रुपए तक अगर आप पॉलिटिकल डोनेशन कर रहे हैं, वो भी कोई छोटी मोटी पार्टियों को, तो ये बहुत ही ज्यादा जो है रेड फ्लैग रेज करता है। और इस केस में भी आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी, नोटिस, रीअसेसमेंट के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। तो हम आपसे यही आशा करेंगे कि आप अपने सीए से या टैक्स एक्सपर्ट से, लॉयर से, जिनसे भी आप रिटर्न फाइल करवाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस में ही रिटर्न फाइल करवाएं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जिन चीजों का आपके पास में प्रूफ है, प्रॉपर प्रूफ्स के साथ में ही डिडक्शन लें, फेक बोगस डिडक्शन क्लेम्स आपको नहीं लेने चाहिए। अब रिटर्न फाइलिंग में जैसे कि आप सभी को पता है ओनली 7 डेज रह गए हैं, तो आप टैक्स वालाज की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। एकदम एक्यूरेट टैक्स वालाज जो है आपकी 100% एक्यूरेट आपके रिटर्न फाइल करेगा, साथ ही साथ उनके टैक्स एक्सपर्ट्स आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको कैसे प्रॉपर डिडक्शन लेना है, क्या क्या डिडक्शन आप ले सकते हैं और लीगली आप कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टैक्स वालाज के कॉन्टैक्ट और वेबसाइट का एड्रेस भी दे दिया है, जिसपे आप क्लिक करके उनकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं।